वैचारिक प्रदूषण के बाद अब हम असली प्रदूषण का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं उसे अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का समय आ गया है। लेकिन हमारे देश की किसी भी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमें लगता है कि वायु प्रदूषण लापरवाही द्वारा प्रायोजित एक ऐसा दंगा यानी रायट है जो सभी धर्मों के लोगों की जान ले रहा है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर इस हद तक खतरनाक हो चुका है कि ये हर एक मिनट में 2 लोगों की जान ले रहा है। द लैंसेट काउंटडाउन नामक एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। यानी भारत में हर रोज करीब 2,880 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। द लैंसेट काउंटडाउन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर रोज 18,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। इसमें बाहर के प्रदूषण के साथ साथ घरों के अंदर का वायु प्रदूषण भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि आप घर के अंदर रहकर दुनिया भर की परेशानियों से तो शायद बच भी जाएं, लेकिन वायु प्रदूषण वहां भी आपकी जान ले सकता है, वहां भी पहुंच सकता है। यानी जिस वक्त आप डीएनए देख रहे हैं उस वक्त भी आप और आपका पूरा परिवार वायु प्रदूषण के खतरे से अछूता नहीं है। इस रिपोर्ट को 16 अलग अलग संस्थानों के 48 वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली और पटना में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM2.5 कणों का औसत वार्षिक स्तर 120 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये WHO द्वारा निर्धारित मानकों से 12 गुना ज्यादा है। WHO के मुताबिक प्रदूषण का औसत वार्षिक स्तर 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम चीन से तुलना करें तो भारत में प्रदूषण ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते वायु प्रदूषण से जुड़ी एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017 नामक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्ष 2015 में ओजोन लेयर को हो रहे नुकसान की वजह से भारत में 2,54,000 लोगों की मौत हुई थी। ओजोन पर्यावरण की वो परत है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है। ओजोन की परत को जब नुकसान होता है तो लोगों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 2.5 लाख लोग फेफड़ों की बीमारियों की वजह से मारे गए थे। ओजोन लेयर को हो रहे नुकसान की वजह से भारत में हर साल लाखों लोग मारे जा रहे हैं। मौत का ये आंकड़ा बांग्लादेश से 13 गुना ज्यादा और पाकिस्तान के मुकाबले 21 गुना ज्यादा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की हवा में विचारों का प्रदूषण भले ही ज्यादा हो, लेकिन वायु प्रदूषण के मामले में वहां की हवा भारत से कहीं ज्यादा साफ और स्वच्छ है। साल दर साल बीत जाने के बाद भी भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें। कोई भी प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर नहीं दिखता। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह माना था कि भारत वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग पर हर साल सिर्फ 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये रकम 132 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश के लिए कितनी कम है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देश है 132 करोड़ का और हम खर्चा करते हैं 7 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण के खतरे को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सभी को 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के नतीजों का इंतजार है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण जैसे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह देती ही नहीं, और अगर इस संबंध में कोई जिक्र किया भी जाता है तो वो बिल्कुल खानापूर्ति जैसा होता है। ये सब तब हो रहा है जब वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल 10 लाख लोग मारे जाते हैं। हमें लगता है कि मंदिर, मस्जिद, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं को साफ हवा के नाम पर वोट मांगने चाहिए। नेताओं को लोगों से वादा करना चाहिए कि जब वो सत्ता में आएंगे तो प्रदूषण का नाम और निशान मिटा देंगे। घोषणा पत्र में उन कदमों के बारे में बताया जाना चाहिए जिनसे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश की राजनीति प्रदूषण से लड़ने की कोई नीति नहीं अपनाना चाहती। हमें शिकायत आम लोगों से भी है, बुद्धिजीवियों से भी है और उन पत्रकारों से भी है जो असहनशीलता के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बहस करते हैं, आवाजें उठाते हैं, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली प्रदूषण के नाम पर कभी रिपोर्टिंग नहीं करते, बहस नहीं करते,
नारेबाजी नहीं होती। आम लोग भी नेताओं से ये कभी नहीं पूछते कि वो चुनाव जीतने के बाद प्रदूषण से कैसे लड़ेंगे। हमें लगता है कि ये स्थिति बहुत जल्द बदलनी होगी, क्योंकि हर साल 10 से 12 लाख लोगों का बेमौत मर जाना बहुत बुरी बात है, और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर संवाद न करना उससे भी शर्मनाक स्थिति है। रोड पर चलते हैं, आप भी चलते हैं, तो निकलने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पोल्यूशन ही है ना, इतनी गाड़ियां सब जा रहे हैं। तो हैंकी से अपना चेहरा साफ करते हैं तो यू रियलाइज कि उसमें कितना डस्ट है एंड ऑल। वायु प्रदूषण सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार कर रहा है। हमारी आम जनता और देश के नेताओं से अपील है कि वायु प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 10 से 12 लाख लोगों की मौत होती है। यह बहुत गंभीर स्थिति है जिसे जल्द से जल्द बदलना होगा। हमारे विश्लेषण में दिखाए गए सभी तथ्य प्रमाणित है और इनका संबंध भारत के उन जीवित या मृत लोगों से है जो वायु प्रदूषण से प्रभावित है। आप नेताओं को चुन रहे हैं और प्रदूषण चुन चुन कर लोगों की जान ले रहा है। आप एजेंडे पर वोटिंग कर रहे हैं और प्रदूषण किसी के भी एजेंडे में नहीं है। आपकी उंगली पर वोटिंग वाली अमिट स्याही के निशान है, लेकिन भविष्य के माथे पर प्रदूषण वाली स्याह कालिख अभी से लग गई। प्रदूषण के 2.5 कण बेहद बारीक होते हैं और शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कण कण में भगवान के दर्शन करने वाले भारत को अब कण कण में प्रदूषण के दर्शन हो रहे हैं। द लैंसेट काउंटडाउन नामक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और पटना के लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। लोगों को पता लग चुका है कि एयर पोल्यूशन कितनी हानिकारक चीज है उनकी सेहत के लिए, उनकी बच्चों की सेहत के लिए, उनके कारोबार के लिए, इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो जो अभी हाल फिलहाल में लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि जो नॉर्दर्न इंडिया में जो स्मॉग इंसिडेंट्स होते हैं उसमें प्रति मिनट 2 इंसानों की डेथ हो रही है। और पिछले ही हफ्ते HEI ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज जो स्टेटस ऑफ ग्लोबल एयर बताता है कि पिछले साल करीबन 4.2 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हुई, जिसमें से 26% केवल इंडिया में थी। तो आप समझ सकते हैं स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप एयर पोल्यूशन को बिल्कुल नॉन सीरियस चीज ले। अलग अलग रिपोर्ट्स को आधार माना जाए तो भारत में वायु प्रदूषण से हर साल औसतन 10 से 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर नामक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 10,90,000 लोग वायु प्रदूषण की वजह से बेमौत मारे गए, जबकि चीन में 11,08,000 लोगों की मौत हुई। यूरोप के सभी देशों में कुल मिलाकर 2,57,000 लोग वायु प्रदूषण की वजह से मारे गए। इसी तरह रूस में 1,30,000, पाकिस्तान में 1,35,000, बांग्लादेश में 1,22,000 और अमेरिका में 88,400 लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हुई। भारत में वायु प्रदूषण ने लोगों को 360 के एंगल पर घेर लिया है। आप जहां नजर घुमाएंगे धूल और धुएं के गुबार ही पाएंगे। फरवरी का महीना है, दिल्ली के आसमान में सूरज चमक रहा है, तापमान बढ़ रहा है, कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है। आप अनुमान लगा रहे होंगे कि शायद दिल्ली की आबो हवा भी सुधर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक है। इस वक्त हमारे सबसे नजदीक जो स्टेशन है वो सिरी फोर्ट है, मॉनिटरिंग स्टेशन। वो बता रहा है कि 9 बजे सोमवार के दिन फिलहाल दिल्ली की आबो हवा वेरी अनहेल्दी 215 बताया जा रहा है। अगर आप पूरी दिल्ली का देखें तो पूरी दिल्ली में 215 से लेकर फरीदाबाद में 800 से ज्यादा PM2.5 का स्तर है। सबसे चिंता की बात यह है कि लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि हर एक मिनट में 2 भारतीय वायु प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये रिसर्च 2010 के आंकड़ों पर आधारित है।
द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 40 लाख लोग हर साल घरों में होने वाले वायु प्रदूषण, कोयले के इस्तेमाल और बायोमास ईंधन के इस्तेमाल की वजह से मारे जाते हैं। प्रदूषण भारत में खतरनाक रूप ले चुका है। दिवाली के बाद से ही हमने देखा था कि दिल्ली और उसके आसपास के तमाम इलाकों में प्रदूषण की वजह से कई दिनों तक धुंध छाई रही थी और अब यूएस के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने पॉल्यूशन को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये बताया गया है कि दुनिया भर में 42 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से हुई और जिसमें से सिर्फ भारत में मरने वालों की संख्या करीब 11 लाख थी। ये जय गुप्ता का परिवार है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से इस पूरे परिवार ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। पूरा परिवार इसी तरह मास्क लगाकर घर से बाहर निकलता है और ये लोग घर के अंदर भी मास्क ही पहने रहते हैं। बच्चे खेलते भी हैं तो मास्क लगाकर, होमवर्क भी करते हैं तो मास्क लगाकर, यानी मास्क इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर मैं मास्क के बिना रहूंगा तो आई मीन एज्मेटिक, सो जब मैं खांसता हूँ तो इतना बुरे हो जाता है ना, कभी कभार मुझे स्कूल से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बच्चों की इस हालत से माता पिता भी परेशान हैं, लेकिन वो करें तो क्या करें। गिल्ट है मेरे पे, एक तरह से इनका सारा स्पोर्ट्स भी रुक गया है। ये दोनों फुटबॉल खेलते थे, अब इनको बाहर ले जाना या पार्क भेजना ही एक तरह से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको पता है कि बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है और ये भी पता है कि खेलेंगे तो उनके लंग्स में क्या उसका इम्पैक्ट है। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट अब हर पेरेंट के लिए है दिल्ली में कि हम करें क्या। अगर देश का हर बच्चा प्रदूषण की वजह से घर के अंदर ही रहेगा तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इन बच्चों का भविष्य बहुत डरावना है। अगर बचपन में आपकी स्कूलिंग बार बार आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई, लोग इंडोर रहना शुरू कर देते हैं। इंडोर रहते हैं तो ओबेसिटी हो जाती है, साइकोजेनिक प्रॉब्लम, कार्टून देखते रहते हैं बच्चे बैठ के। बच्चे बाहर जाना नहीं चाहते, हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते। आने वाले साल में हम सब शायद ऑक्सीजन किट्स की सप्लाई मांगेंगे। जितनी भी व्हीकल्स हैं हमारी, उन सब के अंदर नेबुलाइजर और ऑक्सीजन पॉइंट बिल्ट इन आएगा एक्सेसरी। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी सांस फूलने लगी, आपने बटन दबाया, ऊपर से मास्क गिरा और आपने ऑक्सीजन लगा ली। ये सब कुछ पेट्रोल पंप्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स बने होंगे। अगर आप सांस फूल रही है तो इधर बैठ करके अपने को रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे स्पा बन रहे हैं जगह जगह रिफ्रेश करने के लिए, उसी तरह से ऑक्सीजन स्पाज जगह जगह बनेंगे और बिना ऑक्सीजन किट के हम शायद घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों को छूकर निकल जाती हैं या फिर हाथ ही नहीं लगाती। ये एक परेशानी भरी स्थिति है। प्रदूषण से लड़ाई में हार जाना नरसंहार को दावत देने जैसा है। वक्त आ गया है कि प्रदूषण की विनाश लीला को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, वरना यह विनाश लीला लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान लेने लगेगी। दिल्ली से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ा सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ रहा है। इसे आप भारत और चीन के बीच के तुलनात्मक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। भारत में ओजोन परत को हुए नुकसान से होने वाली मौतें वर्ष 1990 के बाद से 53% बढ़ी हैं और वर्ष 2005 के बाद से इसमें 24% का इजाफा हुआ है, जबकि चीन में वर्ष 1990 के बाद से ओजोन को हुए नुकसान से होने वाली मौतें सिर्फ 16% बढ़ी हैं और वर्ष 2005 से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसी तरह चीन में वर्ष 1990 से लेकर अब तक PM2.5 कणों से होने वाली मौतें 17% बढ़ी हैं, जबकि भारत में PM2.5 कणों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 47% बढ़ गया है।